अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जोर न्यूज के साथ मैं उस्मैया तनवीर। आइए आपको लिए चलते हैं न्यूज हेडलाइंस की तरफ। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में कमी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 3.78% हो गई। कोरोना से मजीद 74 अफराद का इंतकाल। कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद 11,450 हो गई। सिंध में कोरोना की वैक्सीन के लिए 14 वैक्सीनेशन सेंटर कायम। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का इजहार यकजहती के लिए खोकर पैलेस जाने का इम्कान। भारत के यौम जमहूरिया पर श्रीनगर में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। मकबूजा वादी में कश्मीरियों ने भारतीय फोर्सेस की नफरी की मौजूदगी में परचम श्रीनगर की जामिया मस्जिद के दरवाजे पर लहरा दिया। कश्मीरियों ने भारतीय यौम जमहूरिया यौम सयाह के तौर पर मनाया। कराची टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जिम्मेदाराना बैटिंग। अजहर अली और फवाद आलम क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 104 रन बना लिए। पहले दिन जनूबी अफ्रीका की टीम 220 रन पर आउट। इमरान बट 9, आबद अली 4, बाबर आजम 7 और शाहीन अफरीदी 0 पर आउट हो गए। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि हमजा शहबाज 1.5 साल से कैद में है। हम एहतसाब के खिलाफ नहीं, लेकिन एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में निजी यूनिवर्सिटी के बाहर तलबा का एहतजाज। नवाब टाउन पुलिस ने एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में 400 से 500 तलबा शामिल। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें www.zornews.tv। देखते रहें जोर न्यूज़।